మీటర్ గవర్నమెంట్ చూడు, ఇది ఈ శంశాని అంతా ప్రైవేట్ లైన్, ఇది మొత్తం ప్రైవేట్ లైన్, ఇది గణేష్ ఘాట్ టెంపుల్ అండి. ఇది మీరు ఇష్టం వచ్చిన మీరు తీరు చేసుకుంటారా? ఎవరు లేడా లోకంలో? కమిటీ లేదా? పదిసారి చెప్పినాం కదా, వాడు అక్కడ కూర్చొని అమ్మాయి వాడు వాడు రాజ్య ముందుగా పని చెప్పాడు. నువ్వు చేస్తున్నా ఇస్తా ఇస్తా మాట్లాడ మాకు ఇచ్చిన గురుజీ శంశాన్ ఘాట్ కు అయినా శంశాన్ కి జమీన్ డొనేట్ కరే సో హే, టోటల్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ హే, శంశాన్ ఘాట్ హే, ये गणेश घाट शमशान घाट बोल के इसका नाम है, हिंदू गणेश घाट शमशान घाट. यहाँ पर होना बोल के थोड़े से जो धर्म को नहीं मानते, धर्म के अगेंस्ट जाते हैं, वैसे लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? यहाँ पे है ना, ये एक चिमनी जो हिंदू संप्रदाय में ये सभ्यता नहीं है कि उसमें जलाना बोल के. हमारे पास सफिशेंट लकड़ी है, यहाँ की कमेटी, यहाँ के पूरे बस्ती वाले यहाँ पैसे डाल लेते हैं, यहाँ पर है ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है. यहाँ पे आज जितने भी डेड बॉडी आते हैं उनको है ना कम से कम पैसे लेके, हैदराबाद के अंदर जितने भी शमशान है उसमें सबसे कम पैसे लेकर यहाँ पे दह संस्कार करते हैं. और यहाँ पे जो गणेश घाट शमशान कमेटी है, वो कमेटी पूरा यहाँ पे है ना कम से कम अब तक है ना 30-40 लाख रुपये अपने जेब से लगा के इसका डेवलपमेंट करी. आज तक कोई म्यूनसिपल वाले एक पैसे का डेवलपमेंट नहीं करे, ना गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई डेवलप करी, ना कोई काउंसलर आया, ना MLA आया, ये सब फॉल्स है. ये लोग अपने कमीशन के लिए ये चिमनी यहाँ पे लगा के, ये जो चिमनी लगा के गैस से जलाने का जो प्रोग्राम ये लोग लगा रहे हैं. यहाँ पे बहुत बड़ी गणेश घाट की एक मंदिर है जहाँ पे हर दिन बहुत बड़ी पूजा होती, कई सौ से लोग आके यहाँ पे दर्शन करते, और हर हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे अंकुट बोल के अन्न भोजन करते. यहाँ पे 100 आदमी यहाँ पे प्रसाद खाते. जब ये चिमनी में जलाया जाता तो चिमनी का जो 1 किलोमीटर रेंज तक पूरे बस्ती में है ना इसका इफेक्ट आता, वो आती और इसका धुआं निकल के पूरे बस्ती और घरों पे गिरता बोल के बता रहा हूँ. मैं गवर्नमेंट म्यूनसिपल से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्राइवेट लैंड में ऐसा काम मत कीजिए. आप चाहे तो हमारे कमेटी से मिलके और दूसरा जो भी डेवलपमेंट है आप हमारा सहयोग करो, डेवलप करो, हम आपके साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे बोल के मैं आपको बता रहा हूँ. ये प्राइवेट लैंड में करेंगे तो हमें बिल्कुल होने नहीं देंगे. इसका हम है ना बिल्कुल जिस तरीके से बोले उस तरीके से हम है ना इसके वास्ते फाइट करने को तैयार. जैसे कंट्री में है ना जलाने का है, गरीब कंट्रीज में भी जलाने के वास्ते है ना परमिशन है. आज हमारे देश में हमारे सभ्यता में जबकि गवर्नमेंट के 2 रुपए नहीं लगते, हम खुद हमारे दह संस्कार के लिए हम खुद है ना आगे बढ़ के हमारी कमेटीज के लिए काम करती, तो ये दह संस्कार में है ना ये नहीं है इलेक्ट्रिक में गैस में जलाना बोल के. ये है ना हमारे पास लकड़ियाँ हैं, उपलियाँ हैं, सब कुछ है, हम लोग सफिशेंट है, हम बिल्कुल करने के वास्ते तैयार है, हम बिल्कुल उसको पीछे नहीं हटेंगे बोल के. ये चक जो यहाँ के लोकल में जो कॉरपोरेशन को कॉरपोरेटर बोलो या MLA बोलो, चाहे वो लोग है ना ये कमीशन के वास्ते कर रहे होंगे हमको नहीं मालूम है, मगर ये प्राइवेट लैंड में हम नहीं होने देंगे. गवर्नमेंट को है ना गवर्नमेंट को भी चाहिए कि किसी के धर्म के अंदर किसी के मजहब के अंदर है ना इन्वॉल्व नहीं होना बोल के हम बता रहे हैं. आज आप देख रहे होंगे सारे अभी पूरे बस्ती के है ना यहाँ कमेटियाँ आके ठहरे हुए हैं. इसका बहुत बड़ा पूरे कारवन यहाँ पर बूढ़ी मलकापुर, राम सिंहपुरा, बॉर्डर बस्ती, मराड बस्ती, ताला गड्ढा, ऐसे कम से कम नहीं बोले तो 24 एरिया से 24 बस्तियों से है ना यहाँ पे है ना दह संस्कार करने के लिए आते हैं.
सभी को है ना अच्छी तरीके से यहाँ पे है ना बहुत कम से कम में करते हैं। हम गवर्नमेंट से ये निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इसका डेवलपमेंट करो, अगर इसको है ना हमारे संप्रदाय को खराब मत करो बोल के हम बोल रहे हैं। ये हम है और ये हाईकोर्ट में इसका केस चल रहा है। ये बिल्कुल है ना TSLR नंबर है इसका, TSLR में भी ये प्राइवेट लैंड है, इसकी आप MRO से इंक्वायरी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये प्राइवेट लैंड में ऐसा अत्याचार नहीं करना, इसके लिए हमारा रोकने के लिए हम हर इससे तैयार है, ये काम नहीं होने देंगे।